प्रतिनिधि स्टालिन ने आपत्तिजनक बयान दिया है सनातन को लेकर, आपने सुना होगा डेंगू मलेरिया से कंपेयर। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भितर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है भाई। नहीं, ये समिति है ही नहीं साहब, मैंने अभी यहीं पर भाषण के दौरान कहा, ये उस तरह की बात है कि पूरी रिपोर्ट तैयार है, 5 आदमी से दस्तखत करवाने हैं, मन बना चुके हैं, रिपोर्ट तैयार है। मैं देखिए बता रहा हूँ, ये सरकार अद्भुत है, ये कुछ भी कर सकती है। कल को डिक्लेयर करेगी कि दिन को रात कहा जाए, रात को दिन कहा जाए, सूरज पूरब में नहीं सूरज पश्चिम में उगता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं, G20 है, सारे तरफ मोदी जी के इस्तहार हैं। आने वाले लोग पूछा करेंगे, अकेले मोदी जी ही इस देश के नागरिक हैं यार, 140 करोड़ नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज है। मैं तो सीधे नहीं, मैं तो आप पहले प्रश्न के जवाब में मैंने कह दिया, ये समिति फार्स है। इस समिति ने डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लिया, 5 लोगों को चुन लिया है जो बाद में गुग्गा बिठा देंगे, दस्तखत कर देंगे उस पर। राजस्थान के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए, जो महिला को मैं तो पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और अपराध की घटनाओं से चिंतित हूँ। सिर्फ राजस्थान नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंतित हूँ, मैं मध्य प्रदेश के लिए भी चिंतित हूँ। मैं राज्य देख करके चिंता व्यक्त नहीं करता, राज्यों से ऊपर चिंता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी करें ना, प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इनकम पर बात करें, वन नेशन वन कास्ट पर भी बात करें, तब मजा आएगा। बस ये राहुल गांधी वाले पर प्रतिक्रिया दे दीजिए कि भारत के पीएम अडानी की जांच के बाद नुकसान किसी और को होगा, ऐसा उनका कहना है। नहीं नहीं, नुकसान प्रधानमंत्री को भी होगा, अडानी है ही नहीं कोई व्यक्ति यार, अडानी इज इक्वल टू मोदी जी, ठीक है। अडानी की सारी कारस्तानियां मोदी जी के निगरानी में हो रही है। मोदी जी आधुनिक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करप्शन को संस्थागत चरित्र में तब्दील कर दिया। वाले ये 4 दिन पुराना सवाल।